अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फिट फैम, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट्स में बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर आप सबको हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमने कई सारे ट्राई कलर के रेसिपी शेयर करके हैं, डू चेक आवर प्लेलिस्ट, उसमें हमने ऐड किया है सारे तिरंगा रेसिपीज। बट इस साल हम आपको मार्केट स्टाइल जैसा तिरंगा आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। ट्राई दिस रेसिपी एंड बनाइए 15 अगस्त को और मजे लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑरेंज यानी सैफ्रन कलर के लिए ऑरेंज यूज किया है। ऑरेंजेस मैंने टोटली दो उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अपने हाथों से ऑरेंज जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेन कर लिया है ताकि सारा उसका सीड निकल जाए, फिर हम इसे साइड में रख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे, ठंडी व्हिपिंग क्रीम ले, 250 ml मैंने यहाँ पे लिया है। इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अमूल व्हिपिंग क्रीम यूज किया है, आप ट्रोपलाइट भी यूज कर सकते हैं, वो काफी जल्दी विप होता है और स्टिफ पीक भी बन जाता है। बट कई सारे लोगों को वो ट्रोपलाइट मतलब पता नहीं कहाँ पे अवेलेबल रहता है और यूजुअली वो उतना जल्दी नहीं मिलता जितना अमूल क्रीम मिलता है, अवेलेबल रहता है। इसीलिए मैंने अमूल क्रीम यूज करके आइसक्रीम बनाना सिखाया। साथ में मिठास के लिए हमने ऐड किया है 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। हमने ना ऑलरेडी कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी शेयर की हुई है, दूध में कैसे बनाते हैं वो जल्दी से चेक करें और घर पे ही आप कंडेंस मिल्क बना के आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। क्रीम को हमने 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से व्हिप किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 पोर्शंस में हम ये क्रीम को डिवाइड कर लेंगे। एक में हमने ऐड किया है ऑरेंज के लिए ऑरेंज जूस विद फूड कलर, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे खसखस शरबत सिरप यूज किया हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, मेरे घर पे था। एडिशनल ग्रीन फूड कलर भी ऐड किया है, थोड़े से ड्रॉप्स। देन व्हाइट में हमने वेनिला एसेंस का फ्लेवर दिया है वेनिला आइसक्रीम के लिए। हम क्या करेंगे, सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर लेंगे या फिर कोई सा भी डिब्बा ले सकते हैं, उसमें हम लेयर वाइज ऐड करेंगे ताकि सारा का सारा सैफ्रन वाइट ग्रीन परफेक्टली, वो जब स्कूप करेंगे ना तब वो प्रॉपरली ट्राई आइसक्रीम लगना चाहिए। यहाँ पे ना फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ऐड करो या ना ऐड करो आपकी मर्जी। अब हम थीम बेस्ड बना रहे हैं तो फूड कलर ऐड करना पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों को वो दिखने में इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव लगेगा। तो बंद करेंगे ये लिड को और फ्रीज कर लेंगे इसे। अब इस आइसक्रीम को ना हम फ्रीज करेंगे ओवरनाइट या फिर 12 घंटे जब तक कि आइसक्रीम परफेक्टली सेट ना हो जाए। अब बैंगलोर में थोड़ा ठंडा सीजन चल रहा है, वेदर परफेक्टली है, बारिश का मौसम है, तो हो इंशाल्लाह जल्दी सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। जब गर्मी समर रहेगा, बड़ी धूप रहेगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो मेल्ट हो जाएगी आइसक्रीम। पता नहीं क्यों ये सीजन में भी ना ये वेदर में भी आइसक्रीम जल्दी मेल्ट हो रही थी, तो इट वॉज वेरी गुड। चलिए स्कूप आउट करते हैं। स्कूप आउट करने के लिए ना एक ट्रिक बताती हूँ, ये बहुत ही मस्त टिप है, आप यूज करें और प्रॉपरली स्कूप करें। स्कूपर है तो स्कूपर के साथ स्कूप करें, या फिर स्पून के साथ भी, कोई सा भी डोंगा वाला स्पून रहता है ना जो करीज में सालन में वगैरह यूज करते हैं, वो स्पून से भी आप ना स्कूप कर सकते हैं। अच्छा, तो टिप ये है कि आप ना स्कूप करने से पहले गर्म पानी में डिप करके उसे स्कूप करिए, प्रॉपर वो राउंड शेप की तरह स्कूप निकलेगा आइसक्रीम। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल की रेसिपी ये है, ट्रायो कलर आइसक्रीम। इट वॉज वेरी क्रीमी एंड बहुत ही मस्त था यार। प्रॉपरली फ्रीज करे तो आपके आइसक्रीम बन सकती है मार्केट स्टाइल जैसा। एंड में मेरे पास ना थोड़ा ऑरेंज जूस बचा हुआ था, इसीलिए मैंने जॉली आइसक्रीम बना ली एंड इट वाज रियली गुड, मार्केट से भी बेहतर था, बहुत खूब। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट अस नो द फीडबैक इन द कमेंट सेशन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हां सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।